hello students welcome to online lecture series on uh, analog circuits etc 4 semester subject myself kapil Dama assistant professor etc i will teach you uh, this subject analog circuit and this is lecture number 5 for unit 1 so students uh, we discuss uh, the following topics in this uh, lecture five topic we covered in this uh, lecture series that is a feedback amplifier and their concept the types of classification their explanation the gain involvement and their सिग्निफिकेंस विद फीडबैक जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को वन बाई वन सो इन दिस टॉपिक डिस्कस फीडबैक एम्पलीफायर स्टूडेंट्स तो फीडबैक एम्पलीफायर ये एक एम्पलीफायर का यही सेक्शन का टॉपिक है कि आप का जानते होंगे आर सी कपल एम्पलीफायर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया है तो जो अपनी प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हमने जो पी जंक्शन डायोड एम्प्लीफायर पॉजिटिव नेगेटिव फ़ीडबैक वो जो कंसेप्ट है यहाँ थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फ़ीडबैक एम्पलीफायर कि फ़ीडबैक एम्प्लीफायर में बताया गया कि फीडबैक सबसे पहले एम्प्लीफायर के जो फीडबैक सेक्शंस हैं यदि मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो स्टूडेंट दो तरीके के क्लासीफिकेशनस हैं फ़र्स्ट क्लासीफिकेशन में अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट टाइप जो फीडबैक होता है डेट इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव तो अगर हमें एम्पलीफायर करना है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक तो और तो वो फीडबैक अगर हमें नेगेटिव यूज करना है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफिकेशन के पर्पज़ के लिए और यदि हमें पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करना है तो हम उसका यूज करते हैं ऑसिलेशन यानी ऑसिलेटर के सर्किट को मैन्युफैक्चर के लिए तो स्टूडेंट्स ऑसिलेटर के सर्किट जो है आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम फीडबैक एम्पलीफायर की तो फीडबैक एम्पलीफायर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए स्मॉल पोर्शन ऑफ़ द आउटपुट सिग्नल इट इज़ वोल्टेज और करंट इट इज ब्रॉट बैक टू द इनपुट एंड बी एंड बी इज कम्बाइंड विद द इनकमिंग सिग्नल वेदर इट इज वोल्टेज और करंट कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नेगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हो फॉर द केस ऑफ एम्पलीफायर तो आप देखेंगे कि uh, जो आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट में एक फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट पार्ट इज फीड बैक टू द रेफरेंस इनपुट और रेफरेंस इनपुट के साथ वो क्या होगा माइनस होगा यानी कि नेगेटिव है ना तो चूँकि हम नेगेटिव एम्पलीफायर यूज़ करेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए तो वहाँ पे हम वहाँ क्या होगा वो उसके साथ समप होगा अब समप उसमें डिफरेंस भी हो सकता है वो ऐड भी होगा अगर वो डिफरेंस हो रहा है तो वो एम्प्लीफिकेशन का काम करेगा यदि वो ऐड हो रहा है तो वो ऑसोलेटर की तरह काम करेगा तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द आउटपुट इज़ ब्रॉट बैक टू द रेफरेंस इनपुट ऑफ द इनकमिंग सिग्नल जो कि आपका रेफरेंस इनपुट की reference input तरह है सो इट इज नथिंग बट इट इज द एडिशन एट द एटेक्टर साइड सो इफ वी टॉक अबाउट द एम्पलीफिकेशन सर्किट डायग्राम वी हैव थ्री कॉम्बिनेशन वन इज द एम्पलीफायर अनादर वन इज द गेन थर्ड वन इज द फीडबैक एंड अनदर वन इज द एरे डिटेक्टर पार्ट और वन इज़ द एडिंग पार्ट जो रेफरेंस और फीडबैक सेक्शन को ऐड करता है तो ये है स्टूडेंट फीडबैक एम्पलीफायर का थोड़ा सा कंसेप्ट अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अब हम क्लासीफिकेशन वन बाई वन पढ़ेंगे तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक में जो मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है जैसे कि इनकमिंग सिग्नल और सोर्स सिग्नल जिसको आप फीड कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर तो और उसका आपने एम्प्लीफिकेशन करना है तो यहाँ क्रॉस से तरीके से लिखा रखा है तो फीडबैक का फीडबैक से क्या है कि आउटपुट सिग्नल आपका क्या है फ्रैक्शन ऑफ पार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है एडअप हो रहा है तो इनकमिंग सिग्नल भी ऐड हो गया और फीडबैक सिग्नल भी ऐड हो गया तो इनपुट सिग्नल क्या हो गया ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई होकर डबल गेन में चला गया यानी उसकी गेन जो है उसका बढ़ गया तो दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज कॉल्ड रीजनरेटिव रीजनरेटिव मतलब और बढ़ गया है ना एक बार और जनरेशन हो गया उसका तो इसमें जो इसका जो एम्पलीफायर का फीडबैक का जो जो फार्मूला है वो क्या लिखा करते हैं ए एफ इक्वल टू वन ओवर वन माइनस बीटा टाइम्स ऑफ ए और जो ये बीटा है स्टूडेंट्स ये बीटा क्या है फीडबैक का गेन और ए जो है हमारा एम्पलीफायर गेन है तो ये है एक इसका जो फार्मूला का रिलेशन तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव फीडबैक में क्या है पॉजिटिव फीडबैक डिफरेंस देख लीजिए देखो उसका नाम से पता लग रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक यानी कि पॉजिटिव यानी कि फीडबैक जो आपका सिग्नल है वो भी पॉजिटिव है और इनकमिंग सिग्नल वो भी पॉजिटिव है तो दोनों ऐड होंगे पॉजिटिव फीडबैक के अंदर तो यहाँ पे जो नॉइज़ मार्जिन होगा नॉइज़ फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल तो नेगेटिव सिग्नल में क्या होगा कि आपका जो फीडबैक सिग्नल है वो माइनस होगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस सिग्नल तो उसमें जो नॉइज़ होगा वो कम होगा तो इसलिए uh, हम अपने एम्प्लीफिकेशन में नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं जो कि फीडबैक है के दो क्लासिफिकेशन होते हैं okay, आगे बात करता है कि जो है, वो जो गेन है एम्पलीफायर विद फीडबैक है ना वो हो जाए नॉर्मल गेन से विदाउट फीडबैक विदाउट फीडबैक अगर आपने किसी सिस्टम के ए को ए से वो बड़ा हो जाए है ना तो क्या होगा तो उस केस में वो कंडीशन बता रहा है कि इन पॉजिटिव फीडबैक फीडबैक सिग्नल इज एडिड टू द सोर्स सिग्नल वट ऑब्वियसली अभी हमने देखा उसको पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज इज द गेन ऑफ द एम्प्लाय एम्पलीफायर जैसा कि मैंने बताया कि जब दोनों इनपुट सिग्नल्स और आपका फीडबैक सिग्नल दोनों ही ऐड हो रहे हैं तो ऐड होने से क्या हुआ कि पहले सिग्नल जब फीडबैक होके नहीं आया इनिशियली जब आपका एक बार सिग्नल आपके एम्पलीफायर से होकर गुजरा तो इट हैज सम नॉइस बट जब वो नॉइस आउटपुट पे आउटपुट पे फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट के साथ फीडबैक में होके आई तो वो आगे आके दोबारा क्या हुई नेक्स्ट फेज में हो गई तो वो वो उसका जो मार्जिन है वो क्या होगा कुछ देर कुछ देर के बाद क्या होगा कि आपको सिग्नल का नॉइस क्या ज्यादा दिखेगा तो इसलिए पॉजिटिव फीडबैक को हम रीजनरेटिव फीडबैक भी कहा करते हैं सो द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक इज शोन अबाउट जो कि हमने बताया अभी आपको ए एफ इजिकल टू वन ओवर वन माइनस बीटा टाइम्स ऑफ ए बीटा इज द गेन ऑफ द फीडबैक एंड ए इज द एम्पलीफायर ऑफ द गेन नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सच काइंड ऑफ नेटवर्क इट इंक्रीज द गेन बट है इंक्रीज तो हो जाएगा गेन बट नॉइज उसके साथ क्या होगा जुड़ेगा तो डिसएडवांटेज क्या है बैंडविड्थ डिक्रीज होगी नॉइज इंक्रीज होगी और डिस्टॉर्शन भी इंक्रीज होगी बिकॉज जैसे नॉइज बढ़ेगा तो डिस्टॉर्शन भी बढ़ेगा और डिस्टॉर्शन जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी इफेक्ट करेगी तो स्टूडेंट्स ये जनरलाइज uh, तरीके से जब हम पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क का डिस्कशन करते हैं तो हमारे को यहाँ कुछ इस तरीके से डिसएडवांटेजेस मिलती हैं तो आई होप कि आपको समझ में आया हो स्टूडेंट्स इफ़ यू टॉक अबाउट द इट्स एप्लीकेशन तो जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव फीडबैक जो है हमारे ऑसिलेटर सर्किट्स के अंदर यूज होता है और नेगेटिव फीडबैक हमारा यहाँ पर जो जनरेट होता है वो यूज़ होता है हमें एम्पलीफिकेशन के अंदर तो ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू आर Uh, if you want to uh, construct a trans uh, amplifier with negative feedback, then it will work as an amplifier with uh, much uh, greater stability. And if you want to uh, construct the uh, feedback with positive feedback uh, in with along with the amplifier, तो वो क्या करेगा? Oscillator की तरह करेगा। क्योंकि आपने देखा, जैसे मैंने अभी यहाँ advantages क्या लिखी हैं? कि gain तो increase कर देगा, but noise आपके क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएंगी डिस्टॉर्ट होगा डिस्टॉर्शन बढ़ेगा नॉइस बढ़ेगी ओके स्टूडेंट्स ना इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड क्लासिफिकेशन नेगेटिव फीडबैक तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं इस एरर डिटेक्टर वाले पार्ट पे देखिए जहां हम सोर्स सिग्नल की बात कर रहे हैं तो फीडबैक सिग्नल यहाँ पे माइनस हुआ तो प्लस माइनस माइनस तो आपका जो सिग्नल की जो सिग्नल uh, जो है अब जो फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट जो फीडबैक नेटवर्क में गया जिसके अंदर कुछ नॉइस का पार्ट था वो यहाँ पे क्या होगा नलीफाई हो गया तो जाहिर सी बात है जो आपका इनपुट सिग्नल आएगा तो अब उसके अंदर नेक्स्ट फेज में क्या होगा आपका नॉइज कम होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन तो यहाँ पे इस सर्किट को हम बोलते हैं डी जनरेटिव फीडबैक सर्किट तो डी जनरेटिव फीडबैक सर्किट का जो फार्मूला हुआ करता है स्टूडेंट्स ए एफ इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए ओवर वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए और ए एफ इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स ए रहता है मतलब विद विदाउट फीडबैक से आपका फीडबैक हमेशा कम रहता है जबकि पॉजिटिव वाले में विद फीडबैक वाला हमेशा ज़्यादा रहता है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फीडबैक होगा तो हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ नेगेटिव लगेगा नहीं यहाँ पॉजिटिव है और वहाँ नेगेटिव है तो बस ये एक थोड़ा सा अंतर है बाकी सर्किटरी में आप देखेंगे देखो तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ डिटेक्टर में नेगेटिव साइन आया हुआ है और वहाँ पॉजिटिव है क्या है दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मगर फार्मूले में वहाँ क्या है पॉजिटिव यहाँ क्या है वहाँ क्या है नेगेटिव और यहाँ क्या है पॉजिटिव ठीक है ना स्टूडेंट्स तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक लोड रजिस्टेंस लगाया हुआ है ये कंट्रोल करने के लिए आउटपुट आपका कंट्रोल्ड नेचर में आपका जो वोल्टेज या करंट है आपको ऑप्टेंड हो इसलिए हमने एक फाइनाइट लोड रजिस्टेंस यहाँ पर पुटअप किया हुआ है अब देखो स्टूडेंट्स जैसे मैं इसके बारे तो में थोड़ा सा और डिस्कशन दूँ तो इन नेगेटिव फीडबैक फीडबैक सिग्नल इज सब्ट फ्रॉम द सोर्स सिग्नल जैसे वहाँ क्या था एड हो रहा था यहाँ क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर गेन इस वहाँ क्या था गेन बढ़ रहा था यहाँ क्या हो रहा है गेन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि नेट जो बन रहा है वो प्लस माइनस प्लस जो माइनस जो है वो नेट होके आ रहा है इसलिए गेन हमारा वहाँ क्या रिड्यूस हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं डी जनरेटिव फीडबैक बोलते हैं और जैसे कि हमने गेन का जो एम्पलीफायर का विद नेगेटिव फीडबैक है उसका जो फार्मूला है वो हमने लिखा भी ऊपर वो मैंने यहाँ लिख दिया और साथ में हमने ये भी बताया कि नेगेटिव फीडबैक इज वाइडली यूज इन द डिजाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर सर्किट्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स तो हमेशा याद रखिए जैसे हायर क्लासेज में जब आप कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां आपको एक चीज मिलेगी वन इज द कंट्रोलर एन वन इज द प्लांट एंड थर्ड वन इज़ द फीडबैक सिस्टम और उसके साथ एक एरर डिटेक्टर होता है तो वो क्या रेफरेंस सिग्नल और फीडबैक सिग्नल को क्या करेगा डिटेक्ट करेगा और नलीफाई करके फिर वो आपके कंट्रोलर में देगा कंट्रोल वहाँ पे क्या करेगा सारे पैरामीटर्स को ट्यून करेगा जिस चीज़ में कमी हो रही है और प्लांट के सिस्टम को क्या करेगा वो ऑप्टिमाइज करेगा तो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव फीडबैक में हमेशा हम, हम यूज़ करते हैं एम्प्लीफिकेशन के पर्पज़ को ओके okay, स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट इक्वेशन फॉर गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक तो ये कहता है कि नेगेटिव फीडबैक यदि अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस में डिस्कशन करूँ तो वो कैसे होगी तो नेगेटिव फीडबैक अब जानते हैं नेगेटिव है तो उसका नीचे डिनोमिनेटर में जो सिंबल uh, आएगा वो क्या आएगा प्लस आएगा तो जैसे ए एफ इज टू वन बाय वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए और बीटा क्या है एम्पलीफायर फीडबैक uh, का जो गेन है वो है ए क्या है एम्पलीफायर का गेन है तो प्रोडक्ट है अब वो कहता है कि सपोज यदि इस बीटा इन ए की जो, जो फैक्टर है यदि क्या हो जाए बड़ा हो जाए वन से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा टू वन बाई बीटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वी हैव डिस्कस इन दिसरियो तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्वेशन ऑफ द एम्पलीफायर इन द नेगेटिव फीडबैक सेक्शन नो स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द जनरल इक्वेश्स फॉर द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद फीडबैक है ना जनरल जनरलाइज जो इक्वेश्स हैं गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद फीडबैक सेक्शन में तो वो कैसे होगी जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एफ इज इक्वल टू ए ओवर वन प्लस बीटा अब दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एम्पलीफायर टू डिफरेंशिएट इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर दे कैसे देखो द बीटा इज नेटिव फॉर पॉजिटिव फीडबैक एंड बीटा इज पॉजिटिव फॉर नेगेटिव फीडबैक तो ये आपको हमेशा याद रखनी रखना चाहिए कि जो हम फॉर्मूला याद करते हैं उसमें जो नेगेटिव डिनोमिटर साइन में आता है दैट इज बिकॉज विद दी दी विद प्रेजेंस ऑफ बीटा साइन और बीटा क्या है और बीटा क्या है और बीटा क्या है जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीटा हमारा एक फीडबैक गेन है तो बीटा जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक यूज होगा क्योंकि ए ओवर वन माइनस गेन होता है ना और गेन क्या है बीटा इंटू ए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या हो गया प्लस हो गया अब चूंकि बीटा पॉजिटिव है नेगेटिव फीडबैक के लिए तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया तो पॉजिटिव के लिए हमेशा क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा आई होप क्या समझ पा रहे होंगे जनरलाइज फॉर्मूले में डिनोमिनेटर पार्ट में नेगेटिव होता है अब वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन ऑफ द बीटा यदि बीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा पॉजिटिव फीडबैक हो गया अगर ने, पॉजिटिव नेटवर्क के अंदर बीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो ये बी, बीटा की वैल्यू ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी किसमें नेगेटिव फीडबैक में तो ये हमेशा ध्यान रखना है हमारे जैसे कि आप मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया कि जैसे इफ बीटा फीडबैक रेशियो बीटा इज इक्वल टू कॉल्ड है ना नेगेटिव फीडबैक तो ये नेगेटिव दिखा रहा है प्लस का मतलब ये है कि नेगेटिव फीडबैक है ना तो ये चीज है ओके स्टूडेंट्स नाउ इफ वी टॉक अबाउट द जनरल इक्वेशन फॉर द फीडबैक रेशियो डेट इज बीटा तो वही इक्वेशन जो हमारे पास है एफिकल टू ए ओवर वन प्लस बीटा ऑन आप देखो इसको कैसे बनाएंगे इस इक्वेश को तो वो कहता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहने जैसे कि ए एफ बाई वन और ए ओवर वन प्लस बीटा ए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बाई ए एफ आ जाएगा राइट हैंड साइड में

और जैसे ही मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट एज इक्वल टू वन बाई ए कैंसिल आउट हो गया और माइनस ऑफ माइनस वन इन टू वन बाई हो गया तो आई गॉट द इक्वेशन ऑफ फीडबैक रेशियो वैल्यू बीटा इज इक्वल टू वन ओवर ए एफ माइनस वन स्टूडेंट्स तो टेल नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर या फीडबैक कंसेप्ट इन टू वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक नाउ इट इज दर्नलाइज ब्लॉग डाइग्राम ऑफ ए फीडबैक एम्पलीफायर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट यहाँ एक सिग्नल सोर्स है जो कि वोल्टेज uh, और करंट की फॉर्म में हो सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ uh, उसके बाद एक मिक्सर लगाया हुआ है मिक्सर और सैम्पलर ये सैम्पलर देखो जब आप आउटपुट से फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल निकालोगे तो कैसे निकालोगे पल्स की फॉर्म में ये जो आपका सैंपल की फॉर्म में निकलेगा वो सैंपलर इसलिए लगाया गया है कि जब आपका बेसिक एम्पलीफायर आउटपुट आपको लोड पर दे तो आपको एक बार सैंपलर जरूर चाहिए सैंपल चाहिए तभी तो आप मिक्सर के अंदर आप सोर्स सिग्नल के साथ आप क्या करोगे समअप करोगे या डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसलिए हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे एक सैंपल लगा रखा है सैंपल क्या करेगा फ्रैक्शन ऑफ सैंपल आउटपुट विल टेक फ्रॉम द आउटपुट सेक्शन एंड इट विल फीड टू द फीडबैक नेटवर्क दैट फीडबैक नेटवर्क विल प्रोवाइड दो सैम्पल सिग्नल कम कम फ्रॉम द आउटपुट इज गिवन टू मिक्सर अब मिक्सर में वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो ये है फीडबैक एम्पलीफायर का जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम ठीक है स्टूडेंट तो ये आर ई एफ है ना और ये आर आई एफ ये ये आर आई ये आर नॉट इनपुट आउटपुट ठीक है स्टूडेंट्स उट द फीडबैक नेटवर्क सो फीडबैक नेटवर्क के बारे में अगर हम करें तो इट इज नीडबैक रेशियो बीटाइड फीडबैक इंट्रोड्यूस इन दर बट ऑबियस है, तो in है जैसे कि हम अभी तक डिस्कशन करते आ रहे हैं कि फीडबैक uh, कैसा होगा या किस नेचर का होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये डेट विल डिपेंड डेट विल डिसाइड बाई द बीटा तो बीटा यानी कि फीडबैक रेशियो तो इट इज ए रजिस्टिव नेटवर्क विच हैज फीडबैक रेशियो बीटा एंड इट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ फीडबैक इंट्रोड्यूस इन द एम्पलीफायर तो एम्पलीफायर के अंदर कितना अमाउंट का फीडबैक हमने इंट्रोड्यूस करवाना है या करेगा वो कौन डिफाइन करेगा फीडबैक रेशियो डेट इज बीटा ओके स्टूडेंट्स तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फीडबैक नेटवर्क तो दिस इज द सर्किट ऑफ फीडबैक नेटवर्क स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में वी एफ लिख रखा है वोल्टेज और वी नॉट इज गर्ल टू आउटपुट वोल्टेज तो फीडबैक नेटवर्क का यदि बीटा तो फीडबैक नेटवर्क का जो बीटा है यहाँ पे बीटा डिफाइन कर रहा है तो अगर आप देखेंगे कि वी रेफरेंस इनपुट जो है है ना तो फीडबैक तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट जो आपका इनपुट है वो आउटपुट पे कैसे दिखेगा आउटपुट इन टू बीटा यानी कि गेन अब वो कहते हैं कि सपोज बीटा की वैल्यू एक परसेंट है यानी कि मीन्स वन परसेंट ऑफ वी नॉट टेकन एज ए फीडबैक सिग्नल तो बीटा की अगर वैल्यू वन परसेंट है इसका मतलब पॉइंट जीरो वन है ना तो वन परसेंट का मतलब है कि उतना पार्ट ऑफ द फीडबैक एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए डेटा यानी फ्रैक्शन ऑफ सिग्नल वो लेगा फीडबैक सिग्नल को देने के लिए ताकि वो आगे मिक्सर में सोर्स सिग्नल के साथ उसको क्या करें मिला सके स्टूडेंट्स ओके okay? तो फीडबैक रेशियो बीटा जो है जो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो उसको हम कैसे लिखेंगे फीडबैक सिग्नल वी आई वी और आई यानी करंट या वोल्टेज कोई भी हो फीडबैक सिग्नल डिवाइडेड बाय आउटपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल जो आपको अचीव हुआ है और फीडबैक सिग्नल यानी कि उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आपने लिया है तो फीडबैक रेशियो जो बीटा है स्टूडेंट्स वो हमेशा लेस देन वन के इक्वल रहेगा तो इसको हम फीडबैक रेशियो भी कह दिया करते हैं या फीडबैक फैक्टर भी कह देते हैं या रीट्रांसमिशन रेशियो भी कह देते हैं या इनवर्स फीडबैक रेशियो या रिटर्न रेशियो देखिए इसमें इतने इतने नाम हैं तो बहुत डिफरेंट नेम से हम इसको जानते हैं कि जो रेशियो है आपका फीडबैक रेशियो जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं एम्प्लीफिकेशन सेक्शन में उनको हम फीडबैक फैक्टर री रेशियो इनवर्स फीडबैक रेशियो रिटर्न रेशियो है ना तो यहाँ पे एक मैंने नोट करने वाली बात लिखी है कि इन ए फीडबैक एम्पलीफायर जनरली फ़ीडबैक कैनोट एक्सीड टेन परसेंट अब ऐसा भी नहीं है कि हमने आउटपुट का पूरा का पूरा सेक्शन फीडबैक में दे दिया तो वो भी पॉसिबल नहीं है तो कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट हम देख सकते हैं मैक्सिमम तो आप देख रहे हैं कैन नॉट एक्सीड टेन परसेंट टेन परसेंट से ज़्यादा वो उसको हम फीडबैक सेक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते दस परसेंट से इक्वल या उससे कम होना चाहिए तब आपको अच्छा जो है रिस्पांस ऑब्जर्व करने को मिलेगा ओके स्टूडेंट्स सो इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक तो वट आर दोज डिसएडवांटेजेस जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट नेगेटिव फीडबैक में नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा तो मैंने लिखा कि वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए को मैं लिख रहा हूँ डी है ना तो ये इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो गई तो ये कहता है कि नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर बाय द फैक्टर वन प्लस बीटा ए तो भाई इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है भाई गेन को रिड्यूस कर देगा कितने टाइम्स वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए फैक्टर टाइम्स अब अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज में जैसे कि आप देख रहे हैं अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है भाई तो एडवांटेज यह है कि एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या है कि भाई बैंडविथ बढ़ा देगा मगर गेन रिड्यूस कर देगा बैंडविथ बढ़ जाएगी गेन रिड्यूस हो जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी नॉइस कम हो जाएगी डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा है ना तो ये चीज़ है तो इनक्रीज बैनविट्स का मतलब है बैंडविथ विथ फीडबैक इज इक्वल टू बैंडविथ इन टू ये गेन सम फैक्टर है ना देखो हमेशा याद रखिए जैसे आप लिखते हैं वी, वी फीडबैक है ना विद फीडबैक इसका मतलब क्या है फीडबैक इंटू फीडबैक रेशियो इंटू वी आउटपुट तो सेम इसमें यही कंसेप्ट है देखो वी, बीटा विद फीडबैक इज इक्वल टू तो बैंडविड्थ जो जो आपको ऑप्टेन होगी इनटू द गेन जो फैक्टर आपको मिल रहा है वन प्लस बीटा टाइम्स और जो बैंडविड्थ होती है स्टूडेंट्स वो क्या है स्पेक्ट्रम यानी कि ये रेंज है देखो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हायर लेवल एंड माइनस लोअर तो ये कट ऑफ़ फ्रिक्वेंसी हायर एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो इंक्रीज़ हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड रेड्यूस अ लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो कैसे एफ एच एफ विद फीडबैक की वैल्यू क्या होगी देखो इसको याद करेंगे कैसे जब आप लिख रहे हैं विद बी बी विंड विद फीडबैक तो यहाँ कितना हो जाएगा एफ एच विद फीडबैक यहाँ कितना है बी डब्ल्यू यहाँ कितना है एफ एच तो ये आपको एफ एच आपको जो ऑप्टेंड हो रही है इन टू द फैक्टर फीडबैक रेशियो इसी तरीके से लोअर फ्रीकुंसी जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है अब जैसे कि बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव फीडबैक आप यूज़ करोगे तो गेन तो रिड्यूस हो रहा है बैंडविड्थ तो बढ़ रही है मगर नॉइज़ कट रही है तो अब नॉइज़ घट रही है डिस्टॉर्शन कम हो रही है डिस्टॉर्शन कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी हमारी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है तो, तो इसमें जो आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कि डिक्रीजिज द नॉइज़ इन द एम्पलीफायर एन एफ इज इक्वल टू एन ओवर वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए तो नॉइस भी घट गई और डिस्टॉर्शन भी घट गया डिस्टॉर्शन कितना होगा डी एफ डी ओवर वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए और साथ ही साथ यहाँ ये कह रहा है कि मॉडिफाइज आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर देखो फॉर्मेले का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है वी एफ विद फीडबैक इज इक्वल टू वी नॉट इनटू बीटा अब जैसे कि वहां देख रहे हो वहाँ बीटा था या वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ गए तो कंसेप्ट एक ही है फॉमूले को हमें आ, क्रैम नहीं करना समझ समझना है कि देखो कैसे ले रहा है ये सीरीज मिक्सर का ये फॉर्मूला दे रखा है तो आर आई एफ की वैल्यू जो है जो शंट मिक्सर होगा सीरीज मिक्सर में तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है शंट यानी कि ये शंट में क्या हो रहा है डिवाइड में आ रहा है तो ये ये है फॉर्मूला मिक्सर के जो यूज होते हैं अपने आर आई एफ और आर आई की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए आउटपुट कैसे होगा देखो आर आउट आर आई एफ तो आर ओ एफ ये हो जाएगा तो ये क्या होगा करंट सैंपलर और ये वोल्टेज सैम्पलर हो जाएगा तो ये सिंपल हो जाएंगे तो ये साथ साथ आप इनपुट आउटपुट वोल्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स वो भी आप यहाँ साथ साथ देख रहे हो फीडबैक सेक्शन जो एम्पलीफायर हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आप साथ साथ यहाँ देख रहे हो अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात करें तो वो बढ़ जा रहा है और रिसीवर और ट्रांसमीटर ट्रांसमिशर साइड की बात करो या आपकी uh, रिसीवर साइड की बात करो दोनों में ये, ये सेम होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो दिस इज वी डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फीडबैक कंसेप्ट दैट इज पॉजिटिव नेट पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर दे करेक्टर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आउटपुट आर आई एफ आर आई आर आई एफ आर नॉट वी आई एफ वी नॉट बीटा वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए एंड डिस्टॉर्शन फैक्टर नॉइज़ फैक्टर बैंड वेड अपर कट ऑफ फ्रिकुंसी लोअर कट ऑफ फ्रिकुएंसी डीज आर द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन द फीडबैक नेटवर्क विच दिस वस तो देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब भी हम अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स या कंट्रोल सिस्टम इंजियन बैकग्राउंड में हम यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा हम कौन सा किस टाइप की पोटोपोलॉजी यूज़ करेंगे नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफाइर वाली तो नेगेटिव में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं फीडबैक विद पॉजिटिव है ना तो वन ओवर वन माइनस बीटा टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा तो नेगेटिव में नेगेटिव वाले में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो नेगेटिव फीडबैक जो है इसका मतलब है नीचे डिनोमीटर पॉजिटिव है अगर पॉजिटिव फीडबैक दे रखा है तो नीचे डिनोमीटर में क्या है नेगेटिव है तो ये थोड़ा ध्यान, ध्यान देना आपको तो दिस इज अबाउट द डिस्कशन वी डिस्कस इन दिस लेक्चर सीरीज आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा एंड यहाँ से जनरली वो डिफरेंस ही पूछता है कंपैरिजन या कंट्रास्ट करने को पूछता है कि बताइए नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव uh, फीडबैक में डिफरेंस क्या है या आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडवाटेजेस डिसडवांटेजेस एंड द करेक्टरिस्टिक्स ओके स्टूडेंट्स तो इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स विद रिलेटेड टू फीडबैक नेटवर्क और फीडबैक एम्पलीफायर्स तो आज के इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स चलिए थैंक यू